गुंदा हुआ रोटी का आटा अगर रात में बच गया है तो सुबह आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में आराम से बना सकते हैं। ये एकदम चटपटा, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है जिसे बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। ये हम लेंगे 2 कप। आप चाहो तो इस रेसिपी को 1 कप से भी बना सकते हैं। इसी में हम टेस्ट अनुसार सॉल्ट डालेंगे और साथ ही में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल भी डालेंगे। तेल डालने के बाद इस सब को हम अच्छे से मिला देंगे। अब जितना लगेगा उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका ना डो रेडी कर लेंगे। डो बहुत ज्यादा ना ढीला होना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा सख्त गुनना है। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम नॉर्मली घर पे चपाती के लिए गूंथते हैं। यहाँ पे आटा जो है हमारा गूंथकर रेडी है। इसे हम ढककर एक 5 मिनट के लिए ना साइड में रख देते हैं। तब तक हम बाकी का जो प्रिपरेशन है उसे रेडी कर लेते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई में लगभग 3 गिलास इतना पानी गरम करने रखा है। पानी को हमें अच्छे से गरम करके लेना है, यानी कि इसमें अच्छा उबाल आना चाहिए। जब तक पानी गरम हो रहा है हम कुछ सब्जियों को काट कर रेडी कर लेते हैं। हेल्दी है तो इसमें सब्जी भी तो होनी चाहिए ना। यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा ही हमें चाहिए। इसे इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स में हम कट करके लेंगे। इस तरह से एक गाजर और इसे भी बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने हरा प्याज लिया है, इसका जो हरा वाला हिस्सा है ना इसे थोड़ा छोटा कट करके लेंगे, प्लेट में रख देते हैं। और जो सफेद प्याज है यानी कि जो व्हाइट हिस्सा है ना उसे हम बिल्कुल लंबा लंबा इस तरह से कट करके लेंगे। सब्जियां जो है आप अपने मन पसंद अनुसार जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। जो सीजनल सब्जियां वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी ना कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है कि इतनी होनी चाहिए। एक हाथ सब्जी कम ज्यादा भी हो सकती है और एक हाथ सब्जी इसमें नहीं भी है तो भी आराम से चलेगा। इसी के साथ मैं उबले हुए स्वीट कॉर्न भी ले रही हूँ। यहाँ आटे को भी 5 मिनट हो गया है तो इसे ना फिर से हल्का सा गूंद लेते हैं। अब हम इसके सामान पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े, लोई, जो भी आप इसे कहो, ये बनकर रेडी है। यहाँ पे मैंने चकली मोड़ लिया है और इस तरह की जाली है यानी साचा लिया है जिसे नॉर्मली हम सेव बनाते हैं। इसे इसमें रखकर फिर इसे इस तरह से लगाकर अच्छे से ये फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम इसमें ये जो आटे का हमने जो बॉल बनाया है, लोई बनाई है ना, ये इसमें डालेंगे। आप चाहो तो 1 लोई या फिर एक साथ 2 लोई भी इसमें डाल सकते हैं। फिर ऊपर से हम ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। मैंने यहाँ पे साचे को तेल से ग्रीस नहीं किया है और ना ही करना है, हमें यहाँ पे इसे प्लेन ही रखना है। अब चलिए पानी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी भी अच्छा गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ना 1 छोटा चम्मच के करीब तेल डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये जो चकली का मोल्ड है इस तरह से पानी से थोड़ी ऊंचाई पे पकड़कर इसके ना नूडल्स बनाना शुरू करेंगे। ये नूडल जो है बनाते समय ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। एकदम लंबे लंबे नहीं बनाना है, इस तरह से मीडियम हमें नूडल्स बनाकर इसे हम ना सीजर से इस तरह से कट करेंगे जिससे कि ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ना टूटेंगे और ना इनका शेप बिगड़ेगा। इन नूडल्स को बनाते समय आंच को जो है हमें हाई पे ही रखना है और पानी जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए यानी कि उबला हुआ होना ही चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। सारे नूडल्स मैंने बना लिए हैं, आंच को मैंने हाई पे ही रखा है और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका कर हमें लेना है। पकने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज हो गया है, हल्के से ये फूल भी गया है और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं है, ना पानी में टूट कर बिखरे हैं, एकदम परफेक्ट नूडल्स बने हैं। गैस की फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने स्ट्रेनर लिया है यानी कि छलनी ली है, इसमें इन गर्मा गर्म नूडल्स को हम छान कर ले लेंगे। अब इसे हम नल के नीचे अच्छे से वॉश करके ले लेंगे, रनिंग वाटर के नीचे। आप चाहो तो यहाँ पे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, पर अभी ठंडी का मौसम चला, थोड़ा ठंड है तो
तो पानी जो है ना ऐसे ही काफी ठंडा आ रहा है, तो अलग से ठंडे पानी की जरूरत नहीं है। इस तरह ठंडा पानी डालने से क्या होगा, इनका जो कुकिंग प्रोसेस है एक तो वो रुक जाएगा और ये सॉगी यानी कि चिपचिपे नहीं बनेंगे। अब इसे हम इस तरह से साइड में रख देते हैं, जिससे क्या होगा इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी पानी है, वो सारा का सारा छन जाएगा। यहाँ पे गैस पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाए, सबसे पहले हम इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ ही में दो हरी मिर्च मैंने बीच में से कट करके उनके पीसेस कट कर लिए हैं, और हरे प्याज का जो सफेद हिस्सा हमने कट करके लिया था ना, वो और जो नॉर्मल प्याज था, दोनों को डालकर इसे हम हल्का सॉटे कर लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए और प्याज भी हल्का सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो सारी कटी हुई सब्जियां ली है ना, वो भी इसमें डाल देते हैं, और साथ में मैं पाव छोटा चम्मच नमक भी डाल दूंगी। नमक बहुत ज्यादा ना डालिएगा। अब आज को जो है हम हाई फ्लेम पे करेंगे और इन सब्जियों को भी अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां हल्की कच्ची ही रहनी चाहिए। अब देखिए सब्जियां हल्की क्रंची हो चुकी है, हल्की पक चुकी है, तो अब जो गैस का फ्लेम है ना वो हम धीमा कर देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सोया सॉस। यहाँ पे मैंने एक चम्मच भरकर है ना शेजवान चटनी ली है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये ना इसे काफी बढ़िया टेस्ट मिलेगा, बट ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पसंद है, तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तीखेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। इसे क्या होगा, हल्का सा चटपटा फ्लेवर भी मिलेगा जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। साथ ही मैं पाव छोटे चम्मच के करीब मैं फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च भी डाल रही हूँ। फ्रेश ही बनी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो फ्लेवर मिलेगा वो काफी बढ़िया होगा। अभी से ये सॉस जो है दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने नूडल्स को अच्छे से वॉश करके ले लिया था वो अब ठंडे हो चुके हैं, और देखिए ये एकदम छोटे छोटे बने हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। अब यहाँ पे आंच को जो है हम हाई करेंगे और इन नूडल्स को हम इसमें डालेंगे। हर एक नूडल पे ये जो सॉस है ना, इसकी अच्छी सी कोटिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई एक एक नूडल्स भी खाओ ना, तब भी उसमें आपको इसका फ्लेवर मिलना चाहिए, टेस्ट मिलना चाहिए। ये खाने में एकदम चटपटे बनते हैं, चमचमे टेस्टी हेल्दी नूडल्स हैं, और देखिए ये बन के अब रेडी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास है ना गूंदा हुआ आटा जो है वो बच जाता है, तो आपकी इस रेसिपी को बनने के लिए ना 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप इसे फटाफट आराम से बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनता है जो कि खाने में जबरदस्त लगता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसे बहुत ही पसंद से, बहुत ही चाव से खाएंगे, एकदम इसके दीवाने हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को ना जरूर बनाकर देखिएगा। देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, आप भी खाएंगे क्या? अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।